पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चुड़ैल काजल से संजीवनी बूटी लेकर चली जाती है। उसके बाद काजल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि मैंने इस पर भरोसा क्यों किया। अब आगे काजल वहाँ पर दुखी होकर बैठी ही होती है, तभी वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और काजल को कहते हैं कि घबराओ मत, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने उसे लाचार समझकर उस पे भरोसा करके उसको अपनी संजीवनी बूटी दी थी, लेकिन उसे तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा और उसके घर जाके तुम्हें संजीवनी बूटी को वापिस लाना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत खतरों भरा रास्ता होगा। काजल कहती है कि अब चाहे कोई भी खतरा आ जाए, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और संजीवनी बूटी लेकर ही वापस आऊंगी। उसके बाद काजल रास्ते से जा ही रही होती है, तभी उसको रास्ते में एक दिखता है जादुई पेड़। वो जादुई पेड़ कहता है कि मैं बरसों से यहाँ माता पार्वती का वेट कर रहा हूँ और उनके दर्शन के लिए तरस रहा हूँ, और वो काजल को कहता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो और मुझे माता पार्वती से मिला दो। उसके बाद काजल हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि वो माता रानी को यहाँ पर भेजे, और वैसे ही वहाँ माता रानी प्रकट हो जाती है और उस पेड़ को उनके दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद वो पेड़ एक इंसानी रूप में बदल जाता है। वो काजल को शुक्रिया कहता है। उसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है। बहुत देर चलने के बाद जब काजल रास्ते में पहुँचती है तो उसको जंगल में एक भालू दिखाई देता है। काजल की भालू से दोस्ती हो जाती है। उसके बाद भालू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चुड़ैल को ढूंढने चलूंगा। काजल और भालू दोनों चुड़ैल को ढूंढने चले जाते हैं। जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उनको एक लड़की दिखाई देती है जो कि बेहोश होती है, पर वो लड़की चुड़ैल होती है। काजल उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती। उसके बाद काजल मोर पंख उठाकर उस लड़की को जिंदा करती है और वो उसको लेकर उसके घर चली जाती है। वो बच्ची भी उसी घर में रहती है जिस घर में वो चुड़ैल रहती है जिसने काजल से संजीवनी बूटी ली थी। ये देखकर काजल उसको बोलती है कि मुझे मेरी संजीवनी बूटी वापस दे दो, लेकिन वो चुड़ैल काजल के साथ अपनी बच्ची देखकर कहती है कि तुमने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और वो उस पे गुस्सा होती है। पर काजल कहती है कि मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, और वो चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब आगे काजल का क्या होगा, काजल को संजीवनी बूटी मिलेगी या नहीं, और